मित्रों, अभी आपको भगवान के कार्य के बारे में बताया जा रहा था। हम जितने लोग हैं, सभी लोग चाहते हैं कि जीवन में आनंद मिले। क्यों भाई? आनंद चाहते हैं ना, कि परेशानी चाहते हैं? मंदिर में है, सही सही बताइए, जो चाहिएगा वही मिलेगा। आनंद चाहते हैं। आनंद की चाहत में हम लोग भटकते रहते हैं कि जीवन में कहाँ आनंद मिलेगा, कहाँ मिलेगा आनंद, कहाँ है साहब? आनंद तो फेसबुक पे है, और कहाँ है? और तो आप लोग ज़्यादा जानकार लोग हैं, कहाँ कहाँ आनंद मिलता है। एक बात आपको बता देते हैं, जीवन में हम लोग जहाँ जहाँ आनंद खोज रहे हैं ना, वहाँ आनंद है ही नहीं। आपको हम इस बात का चैलेंज कर सकते हैं, और जहां नहीं खोज रहे हैं वहां आनंद है, वहां पता ही नहीं है कि वहां सही में आनंद है। हम लोगों को ये लगता है कि अगर नौकरी हो गई तो आनंद है, दरोगा में बहाली, आज दरोगा का एग्जाम है ना, फिर शादी हो गया तो आनंद है, गर्लफ्रेंड मिल गई तो आनंद है। लेकिन एक भी व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिलता जो कहे साहब अब तो मैं, क्यों भाई? आपको तो नौकरी मिल गया, आपकी शादी भी हो गई, आनंद नहीं है वो। और उस आनंद को भी सही रूप में लेने के लिए अपने भीतर जो भारत के ऋषियों ने जिन चीजों को दिया, वो बड़ा महत्वपूर्ण विज्ञान था। और वो विज्ञान था कि इस धरती पर रहने वाले सभी लोग शांतिपूर्ण जीवन जिए और आनंद से जीवन जिए। लेकिन हमने भौतिक जगत में ही सिर्फ आनंद मान लिया, भौतिक उन्नति को ही हमने आनंद मान लिया। और भौतिक उन्नति को सिर्फ आनंद मानने वाले लोग हमेशा परेशानी का जीवन जीते हैं। आप बताओ, आप कोई मोबाइल लेते हो कितने दिन खुश होते हो? अगर कहीं मार्केट में जाके हमने एक मोबाइल खरीद लिया, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, कई लोग बताते हैं इसमें ये फीचर्स है ये, अरे क्या करोगे इतने फीचर्स लेके? लेकिन साहब, वो मोबाइल भी कुछ दिन के बाद आनंद नहीं देता। पहले के जमाने में मोबाइल नहीं था तो लोग ज्यादा खुशहाल थे, सही बताते हैं। आज ज्यादा टेंशन है ना, पहले का स्टूडेंट आज के वनस्पत ज्यादा क्वालिटी वाला पढ़ाई पढ़ता था। कारण क्या था? उसको हर क्षण मैसेज नहीं आता था, हर क्षण उसको घर से सूचना। हम लोग अगर घर से चलते थे, फिर जब पटना पहुंचते थे और फिर कभी घर जाते थे तो घर वालों को पटना का हाल समाचार बताते थे, ये हुआ, कॉलेज गए थे, सर मिले थे। आजकल क्या हो रहा है? आप घर से चले, बस मिला, बस पर बैठे, रास्ते में ये एक समस्या खड़ा हो गया। हर क्षण की सूचना आपको मिल रही है, हर पल का। पहले लोग गुरुकुल बच्चों को भेज देते थे पढ़ने के लिए, क्यों? घर में नहीं पढ़ सकता था बच्चा, घर में बढ़िया टीचर रख के, बढ़िया गुरु रख के भी पढ़ाया जाता। गुरुकुल इसलिए भेजा जाता था कि बच्चों को पढ़ाने का एक अलग माहौल मिले। आप घर से चले, सूचना, घर से फोन आ गया, दादी बीमार हो गई, अब आपको एक टेंशन हुआ। अभी वह बोला कि गाय को बच्चा हो गया, गाय को बच्चा हुआ, किसने कह दिया वो चाचा जो है लड़ गए आज चाची के बहकावे में। अब आदमी पन्ना, मान लीजिए आप मैथ रीजनिंग या और, अब आपके माइंड में क्या जाएगा? सही सही बोलिएगा, ईमानदारी वाली बात। आप पन्ना पलट रहे हैं और चाचा लटका दिया। अब ये आपकी पढ़ाई की जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, उसमें कमी आएगी कि बढ़ोतरी होगी? अब बताओ भाई, सब लोग एक ही विद्या इन दिनों सिखा रहा है, पढ़ो ना, पढ़ो ना। अरे पढ़ो ना तो ठीक है भाई, चलिए वो तो घर का मामला हो गया, खुदा ना खास्ते गर्लफ्रेंड मिल गई, इसे मुश्किल है, आजकल आसान बात नहीं है ये भी। जिसको मिलता है समझिए पूर्व जन्म का कुछ उसका पुण्य रहा होगा। हाँ हाँ,
साधारण को मुश्किल है। एक तो मुंह कान भी सुंदर होना चाहिए, और मान लीजिए कि किसी तरह झपट भी लिए तो टिकाना भी मुश्किल होता है। चलिए ठीक, वहां भी परेशानी। तो साहब इन परेशानियों, परेशानी तो बढ़ गया आपके लाइफ में, लेकिन परेशानी कम करने का कोई टेक्निक आपको नहीं दे पाया, जिससे आप दिनों दिन क्या आते गए किस चीज के प्रेशर में, प्रेशर बढ़ते गया। और मेडिकल साइंस कहता है कि अगर आपके लाइफ में प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर प्रेशर प्रेशर, तो अंत में कौन सा बीमारी पैदा होता है, ब्लड प्रेशर हो गया। भाई उम्र कम है, इतना न प्रेशर आया, इतना न प्रेशर आया कि देखिए ना, कम में उम्र में जांच कराए ब्लड प्रेशर का बीमारी बता दिया, शुगर हो गया, डायबिटीज जिसको आप कहते हैं। इन दिनों जो हमारा ये यंग जनरेशन है, इसके अंदर वो पावर नहीं बच रहा है, इसके जीवन में खुशहाली नहीं है, अभी भी दुखी है, कल भी दुखी रहेगा, क्योंकि इसको सुख प्राप्त करने का कोई तरीका पता ही नहीं है, किसी ने दिया नहीं। हमारे युवा मंडल में सारे उदाहरण भरे पड़े हैं, सक्सेस होने के भी और सक्सेस होने के बाद परेशानी के भी। हमारे युवा मंडल में एक भाई आते थे, उनको बिहार शरीफ में नौकरी मिल गया, बड़े सक्रिय भाई थे। हम लोग तो यहाँ फूल माला अच्छत पहले से तैयार रखते हैं, जिनका होता है उनको वो भी गदगदाया रहता है, भैया हो गया आज, चलो इंजॉय करो, बिहार शरीफ में नौकरी। कुछ दिन के बाद आया, देखे चेहरा उड़ा झुलसा हुआ है, क्या हुआ भाई? भैया वो जमीन लिए थे, छरदवाली तोड़ दिया। अब बताओ, जमीन जिस दिन लिया होगा उस दिन तो बड़ा मजा, साहब रजिस्ट्री कराए, अब वो छरदवाली टूटा, फिर मुकदमा होगा, केस होगा। अब एक आदमी अपने लाइफ में, हम देखते हैं इन दिनों जिंदगी का आनंद नहीं ले पा रहा है, नहीं ले पा रहा है। और ये जिंदगी मिला है आदमी को आनंद लेने के लिए, पढ़ाई भी एक आनंद है, लेकिन पढ़ाई हम टेंशन बना लिए हैं, चूंकि टेंशन के लिए कई चीज उपलब्ध है। इससे मुक्ति पाने का जो मेथड बताया जाता है, हम लोग बताते हैं, क्या बताते हैं, अपने आप को अपने भीतर ही खुशी तलाशो। ये क्या बोलते हैं भाई, ये कैसे होगा? यही है ध्यान। अब ध्यान क्या है? ध्यान तो लगता नहीं है, आंख बंद करते हैं तो चचानी, ममानी, फूफानी, मामू बोल दिया था, तमाम तरह की बात। लेकिन समझ लो भाई, आनंद वही है। हम लोग भी आपके बीच यहाँ खड़े हैं, अगर जीवन में यहाँ खड़ा होके बोल रहे हैं और आनंद से हैं, तो उसके पीछे यही है, अगर ध्यान नहीं करते तो हम लोग भी आज उल्टा पुल्टा कुछ बोल रहे होते। महात्मा गांधी कहते थे कि मैं अगर नियमित रूप से ध्यान और गायत्री मंत्र का जप न करूं तो मैं कब का पागल हो जाता। इसलिए भैया, अपने आप को अपने भीतर समझ लीजिए, अगर जिंदगी का आनंद लेना चाहते, स्टूडेंट लाइफ का भी, नौकरी का भी, शादीशुदा जीवन का भी, आपको लग रहा है ना शादीशुदा जीवन, जिनका आप लोग तो सब अभी बंडा हैं, तो अभी तो लपलपाइएगा, अभी तो कोई चारा नहीं है, क्योंकि बिहार में बिना नौकरी का शादी होना मुश्किल हो गया है। हाँ, भैंस पर शादी नहीं हो रहा है, एक जमाने में गाय भैंस की गिनती करके शादी हो जाता था, द्वार पर कैगो भैंस पाले हुए हैं, कैगो गाय है, कितना दूध आता है, इस नाम पर शादी हो जाता था, माने मालदार आदमी है, दूध पीता है। आजकल तो ये कितना आता है, नहीं आता है। तो साहब देखो, जिंदगी आनंद से, और हम लोग अगर ये सोचते हैं कि सिर्फ भौतिक उपलब्धि से ही जीवन का सच्चा सुख मिल सकता है, तो हम आपको बता सकते हैं कि भौतिक उपलब्धि से जीवन का सच्चा सुख नहीं मिल सकता। इसलिए अपने आत्मिक उत्थान, अपने इनर पावर को डेवलप करिए। अपने भीतर एक सोल है जो हमारे मन को परेशान करता है, आप मन से हमेशा परेशान रहते हो, इसको ठीक करो। अगर सही में स्टूडेंट लाइफ में आप चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई की क्वालिटी, मैं बार बार एक बात पर जोर दे रहा हूँ, पढ़ने को कोई 12 घंटा पढ़ सकता है, 16 घंटा पढ़ सकता है, 24 का 24 घंटा भी पढ़ सकता है, पागलों का कमी नहीं है यहाँ, लेकिन क्वालिटी, जब हम पढ़ने बैठे तो हमारा हम क्लासरूम में बैठे और सर अगर बोर्ड पर समझा रहे हैं तो उस समय हम उसको बेहतर तरीके से समझ पाएं, सीख पाएं, इसके लिए ध्यान की आवश्यकता है।
गायत्री मंत्र की बच सकता है। अच्छे लोगों की संगति, संगति भी अच्छे लोगों से कीजिए, ऐसे लोगों से जो पॉजिटिविटी की बात करते हैं, नहीं तो निगेटिव तो हर जगह है, हर जगह है, हर जगह निगेटिव परोसा जा रहा है। इसलिए भैया अच्छाई के रास्ते पे चलना, यही गायत्री मंत्र प्रेरित करता है। हम सब लोग भाषण देते हैं, निशांत रंजन जी भी देते हैं। अच्छे हर के जीवन में समस्या है, कोई आदमी ऐसा इस धरती पर नहीं मिलेगा हम सब लोग कि समस्या से मुक्त कोई है क्या। सबके जीवन में समस्या है, हर आदमी ये सोचता है कि हमको ज़्यादा समस्या है, हर आदमी सोचता है। लेकिन उसको जूझने के लिए जो फ्यूल चाहिए, जो पेट्रोल चाहिए, जो पावर चाहिए, वो पावर भी परमात्मा ने आपके ही अंदर दे दिया है, आपके ही अंदर दे दिया है। फेसबुक कंपनी का मालिक कौन? बार बार आपको याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि आप भुलक्कर महतो हो। जुकरबर्ग कितना पैसा होगा? मैं तो मकामा घर हो, एक बार भाइये के वोट दे ले हलिए। अच्छा कहला, आगे भी देते रहिए, आ सब दिन वोटे देते रहिए। चल हमारा नेचर है, हम चूंकि बिहार के हैं, हम लोग तो इस स्वभाव में है, न चाहते हुए भी ऐठन हो जाता है ऐठना। तो जुकरबर्ग, और कहाँ कहाँ से ज्ञान मिला जुकरबर्ग को? अरे जुकरबर्ग को शक्ति कहाँ से मिला? फेसबुक कंपनी डूबने वाला था, डूब चुका था, वो बेचने की स्थिति में था, उसको किसी ने कहा, किसने? कहने वाला भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, किसने कहा? एप्पल कंपनी का, एप्पल सेव वाला नहीं, इन्हें सोचेगा कि कश्मीर के सेव। हाँ आप लोग कौन ठिकाना भैया, जो कश्मीर वाला बोले थे, एप्पल कंपनी जो वर्ल्ड का, उसके कंपनी का मालिक कौन? स्टीव जॉब्स। वो गया कि देखिए हम तो बे, तो उसने कहा कि तुम इंडिया जाओ, वहां एक जगह है नैनीताल में कैंची धाम, मैं भी वहीं से जुड़ा हूं और मेरे जीवन में भी बहुत सारा चीज वहीं से प्राप्त हुआ है। अब एक अमेरिका में रहने वाला जो इंडिया को कभी जानता भी नहीं है, इंडिया आता है जुकरबर्ग, और कहां जाता है? नैनीताल के उस आश्रम में, और वहां ध्यानवान करता है। और इस बात को उसने कहां कहा जानते हैं जुकरबर्ग? किसको कहा? जब भारत के प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होता है किसी कोई हो, भारत के प्रधानमंत्री जुकरबर्ग से मिले, तो जुकरबर्ग ने यह कहानी बताई कि आज मैं जो भी हूं किसके बल पर? इंडिया के बल पर, मैं तो इंडिया में गया था। आप भटक रहे हो भैया, चौकी था पटरा टूट गया, 3 साल से उसी पर सो रहे थे, वो जब पौआ था ना हिल रहा था, हम एक दिन ईटा से ठोके घसक गया, अच्छा हुआ आप नहीं घसके, ये गनीमत मानो भाई। क्या बात करते हो, गायत्री की अलग चमक है। मैं चैलेंज करता हूं, लेकिन आप तो करते नहीं हो, आप तो ठग विद्या हो। यहां आए हो माल खोजने, कोई मिले? अभी तो नहीं ज्यादा माल है, कम माल है, नहीं तो लोग यहां खोजने आते हैं माल, दोस्ती गांठने आते हैं। तुम भी जाते हो? हम भी जाते हैं। किधर रहते हो? बाजार समिति। हम भी रहते हैं, फोन का नंबर लेन देन। तुम भी भूजा खाओ, हम भी भूजा खाएंगे। कुछ दिन के बाद क्या हुआ, दोनों गायत्री मुक्त हो गया। न तुमने जपा न हमने जपा, वो गाना है ना, न तेरा कसूर। दोनों की गाड़ी पटरी से उतर गई। क्यों? वहां बैठ के कुछ अच्छा बात करता तो नहीं उतरता। हम भी गए थे, 2-3 संडे तो गए थे हम। अच्छा, वो पहले निशांत रंजन बोलता है कोचिंग वाला, और मनीष जी बोला हथी कथी तुम पियाबा हथी इतनी को में चोरवार चौकी पर सुते, तू वहीं सर में, तू बैगनों के खेती लायक ना है। अरे भैया कहां फंस रहे हो आप, कहां फंस रहे हो आप? किसी को मत देखो,
अपने बीच अपने भगवान को और अपने बीच किसी को मत देखो, हम भी नहीं देखते, आप करके तो देखो, विश्वास नहीं है आपको। कुछ दिन में हम यहां से चार्ज करते हैं तो 3-4 दिन चार्ज रहता है, फिर वो अथी वाला मशीन है, जांचे वाला बीपी हवा देता है तो केवल कांटा देखते हैं कि ऊपर चल जाता है, फिर नीचे खोलता है, डाउन हो गया भैया। मामू के बेटा आए लहल कल के खेसारी के गाना सुन में, तो खेसारी के गाना सुनिए, अच्छा बात, रहड़ी खाइए। चलिए देखिए, बनाना पड़ता है, फ्री में नहीं मिलता। मैं जहाँ साधना करता हूँ, राजीव जी मेरे यहाँ आते जाते हैं, बैठे हैं, मेरा जो साधना स्थली है, लाइव हटा देना भैया, मेरा जो साधना स्थली है वहाँ राजीव जी ने कहा, भैया जब हम यहाँ आते हैं तो हमको बहुत पीस मिलता है। तो आपको बताऊं, मैं जब साधने के लिए बैठता हूं तो मैं अपने कमरे को बंद कर लेता हूं, और उस समय मुझे दुनिया का कुछ याद नहीं, न पत्नी न बेटा न गांव न घर, सब रिश्ता एक किनारा, और उससे सीधा माम। और जैसे पियाक सब पी लेता है ना, पीता है, देखे हैं पीते हुए गांव में शहर में, फिर पी के उसको कुछ नहीं सूझता, तो जब पी लेते हैं हम भी भगवान का ये प्यार है, बैठिए आनंद से, फिर देखिए जिंदगी का मजा क्या मिलता है। आपकी गाड़ी कितनी तेजी से, आपको इतना टैलेंट आपका बढ़ जाएगा, इतना टैलेंट आपका बढ़ जाएगा कि जिस भी क्षेत्र में हाथ डालोगे सफल होते चले जाओगे। लेकिन साधना अनिवार्य है, गायत्री मंत्र की चमत्कारी साधना, गुरुजी ने तो किताब लिख दिया है गायत्री की, प्रत्यक्ष चमत्कार। इस गायत्री मंत्र को आप समझ लो सारा ज्ञान एक किनारे, गायत्री पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, नोबेल प्राइज किसको मिला था आ? आपको क्या मिला है? है गुरु गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है गायत्री की शक्ति पर, नोबेल प्राइज किसी ऐरे गेरे को तो नहीं मिला होगा, कोई साधारण को तो नहीं मिला होगा। जिस गायत्री पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित मदन मोहन मालवीय, नाम सुने पंडित, BHU बनारस किसने स्थापित किया, आपने क्या किया? हम रूम में कील ठोके 3 गो पहले से था, कपड़ा टांगे में दिक्कत होता था जंगिया गंजी, तो एगो और ठोक लिए, अच्छा किए और ठोकिए ठोकू। अरे 6 फीट के लंग धरंगा आदमी, पावर तो है। प्रत्यक्ष चमत्कार, ये भारत के प्रधानमंत्री भी गायत्री मंत्र जप करते हैं, पता है ना है? और इतना ताकत, अभी पाकिस्तान का सांस फूल रहा है, सीज फायर तोड़ता है इंडिया, अंदर की बात बता रहे हैं आपको पहले क्या होता था वही तोड़ता था पाकिस्तान, और इंडिया वाला उसको कागज देता था, देखिए फलना जगह से आप ऐसे किए, और मुस्कियाता था। अब इंडिया पलट गया, अब क्या करता है, ई तोड़ता है और उल्टे ही भी कागज देता है कि देखिए आप तो तोड़े, अब कहता है साला अजीब करता है भी, अपने तोड़ता है हम पर लगाता है। उल्टे को उलट के सीधा करना, यही गायत्री साधक की शक्ति। देखो साहब, चीन सोचता था कि हम धीरे धीरे बढ़ते 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 सब कब्जिया लेंगे, तो इसको नहीं समझ में आया जो कोई गायत्री के प्रचंड साधक बैठा हुआ है, तो मामला उलझ गया। अब देखिए, अब चाइना कह रहा है कि साहब ये तो इंडिया जो है सो बड़ा गड़बड़ है, गड़बड़ तो अभी कम है, आगे और गड़बड़ होगा, चिंता मत करो साहब। इस हर को मिलता है इसका लाभ, सबको मिलता है इसका लाभ। गायत्री पर आप नहीं जानते हो, हम लोग 2011 में राकेश शर्मा कौन थे, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री, भगवान का सौभाग्य रहा मेरे जीवन में कि ऐसे लोगों के साथ लंबे समय तक बैठने का मौका मिला,
निशांत रंजन जी भी हैं, राजीव जी भी हैं, सब लोग थे 2011 वाले में। राकेश शर्मा, किसी ने कहा राकेश शर्मा आए हैं। हम लोग हरिद्वार में थे और वीआईपी गेस्ट को हम ही लोगों को ट्रीट देना था। हमने कहा राकेश शर्मा, हम लोग पहुँचे, हम थे उज्जवल थे सब, काफ़ी देर काफ़ी बार था, काफ़ी हमको लगा कि इतने बड़े बड़े लोग, इतने नॉलेजफुल साइंस के जगत के लोग भी इस चीज़ को मान रहे हैं, ये हमार छोटकनियन कील ठोके वाला लैकन का नहीं समझता है रे भाई। ये खाली कहता है कि हम कील ठोकते हैं भैया, चौकी का पौवा हिल गया था तो ईंटा ठोके तो अंदर चल गया, ये का ही नहीं समझ रहा है, इसको कैसे समझाएं? अगर ये समझ ले तो क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो साहब समझो इन चीजों को। आप अभी देखिए, आपका ही एक लड़का युवा मंडल का आईआईटी कानपुर का क्या बन गया, प्रोफेसर बन गया, अभी जस्ट प्रोफेसर बना आईआईटी कानपुर का। और मुझे याद है 2010 में उस लड़के को हम बुलाए थे मुक्ताकाश के मंच पर, तू अपना सूटकेस लेके आया था बेंगलोर से, तू बैंक जब कब खोला तो उसमें हमने देखा कि एक पीला धोती और पीला कुर्ता रखे हुए है। तो हमने कहा यार आप वहाँ साइंटिस्ट हो कि पूजा पाठ करते हो? तो उसने कहा नहीं भैया ये तो गुरुजी का ड्रेस है, ये फीलिंग्स गायत्री की। और वो आज प्रोफेसर बन गया। ये चीजें हैं, गायत्री की साधना कभी निष्फल नहीं जाती है, गायत्री की साधना जीवन में कभी असफल नहीं मिलता है। आप ये समझ लो, आप नहीं करोगे तो बात अलग है, आप करके देखना सब कुछ मिलेगा। अगर गायत्री का कोई सच्चा साधक है तो कभी दरिद्र नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं से उसका व्यवस्था हो जाएगा, सब सेटिंग चलते रहता है ऊपर वाले का, कोई कमी नहीं रहेगी, जो चाहोगे मिलेगा, जहां चाहोगे शादी होगा। क्या राजीव जी हम झूठ बोल रहे हैं? खड़ा हो जाइए, देखिए भैया पूछ लीजिए, हम प्रत्यक्ष उदाहरण रखे हैं। अभी इनका शादी होने वाला है 11 को, शुभकामना है, शुभकामना है। ये जहां चाहे वहीं हो रहा है। अभिषेक जी अब आपकी बारी है, इसलिए आप भी चिंतित मत हो, ये भागते हैं, भागिए मत। हाँ ये देखो साहब, जो जहां चाहता, निशांत रंजन हम भी उसमें शामिल हैं, हम भी जहां चाहे वहीं हुआ एकदम। अरे कर्म नहीं करिएगा भैया, तो भैया करते रहिए, झोला ढोते रहिए, हमहूँ लिख दिए थे भैया, हाँ तो लिखे तरह किल ठोके तरह घर में जो बस समझो बात। कुंदन जी अगर आपने गायत्री को सही रूप में अपना लिया तो कल दैनिक जागरण के आप पत्रकार तक नहीं रहेंगे। उज्ज्वल जी को समझाए लेकिन वो तो नहीं उतना दूर तक जा पाए। आपको हम कह रहे हैं इस मंच से आज, आप दैनिक जागरण के संपादक तक पहुंचेंगे, आप करके देखना कहना भैया बोले थे। लेकिन साधना का थोड़ा उस स्तर, संपादक समझ रहे हैं ना। तो साहब ये चीज हम लोग तो ये शुभकामना देते, हम लोग तो दिल से ये चाहते हैं। इसी युवा मंडल में देखिए, तनी मनी किया, ज्यादा तो नहीं करता था लेकिन जितने दिन किया मन से किया, प्रिंस जी तो आज वो भी भाई पिछले दिन फॉर्चूनर गाली 42 लाख का, क्या भाई है आप ही के गांव के हैं युवा मंडल का, तो ये सबको मिलता है। अब तुरंत चाहिएगा भैया, वो तो आप कहे थे 15 दिन किए, अभी तक कुछ आया नहीं क्या बात करता है रे भाई, आप करो ईमानदार रहो फिर देखो क्या मिलता है।